हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंजी 01। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए हम आपको आज बताते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, मैंने उसको एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए उस मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आप उसको वॉच कीजिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब वो हमारा जो टॉपिक है एडजेक्टिव का काइंड। अब जनरल में आप देखते होइएगा, बहुत जगह आपको बताया गया होगा कि एडजेक्टिव का 7 काइंड आते हैं, 10 काइंड से, 9 काइंड से, 8 काइंड से, ऐसे बहुत सारे आपको मिला होगा। बट मैं आपको यहां एडजेक्टिव को मैं पूरी तरह से एक एक पार्ट को तोड़ के मैं आपको बताने जाने वाला हूं, जो यहां से आप अगर आप देख लेते हो तो एडजेक्टिव आई होप बहुत बेहतर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको यहां पर बता दें एडजेक्टिव के एक्चुअली में काइंड। तो आप यहां पर अगर देखोगे तो एडजेक्टिव का एक्चुअली में पहले हम लोग यहां पर जानते हैं कि 3 काइंड्स होता है। जरा गौर कीजिएगा, एडजेक्टिव का मूल रूप से कितने काइंड होते हैं? 3 काइंड होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। जो पहला वाला जो एडजेक्टिव है उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जिस एडजेक्टिव से किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण या अवस्था का बोध होगा, तो जिस एडजेक्टिव से गुण या अवस्था का बोध होगा उस एडजेक्टिव को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और जिस एडजेक्टिव से किसी भी नाउन या प्रोनाउन के संख्या का बोध होगा उस संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जो एडजेक्टिव प्रोनाउन से मिलकर बना होगा, यानी एन एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ अ प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। यानी जो प्रोनाउन से मिलकर बना होगा वैसे एडजेक्टिव को हम लोग नाम देंगे कौन सी? प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। अब आप जाइएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी दो भेद होता है, एक होता है डिफिनिट एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडिफिनिट एडजेक्टिव। अब डिफिनिट में क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा तो वो डिफिनिट हो जाएगा, और जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा उस एडजेक्टिव को हम लोग बोलेंगे इनडिफिनिट एडजेक्टिव। एकदम सरल तरीका है, एकदम वेरी सिंपल वे। एन एडजेक्टिव व्हिच डिनोट्स सिंपल एंड सॉरी एन एडजेक्टिव व्हिच डिनोट्स डिफिनिट नंबर और पर्सन, नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिफिनिट एडजेक्टिव। और एन एडजेक्टिव व्हिच डज नॉट डिनोट्स डिफिनिट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड इनडिफिनिट एडजेक्टिव। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएगा वो हो जाएगा इनडिफिनिट एडजेक्टिव। अगर आप देखिएगा डिफिनिट का, तो फिर डिफिनिट का चार वर्ग है, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ डिफिनिट एडजेक्टिव, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव, फ्रैक्शनल। अब कार्डिनल में वैसे एडजेक्टिव होगा जो गिनती वाले संख्या का बोध कराएगा, एज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या है? एन एडजेक्टिव व्हिच डिनोट्स सीरियल नंबर इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर, एज लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, मिडल इज कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव व्हिच डिनोट्स मल्टीप्लिकेटिव, दैट मीन्स 2 times, 3 times, 4 times, double, triple इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव, जो गुणात्मक वैल्यू का बोध कराएगा। और ये फ्रैक्शन न्यूमिनेटर बाई डोमिनेटर, एज लाइक 1/2, 1/2 दैट मींस वो हाफ, तो हाफ हो जाएगा फ्रैक्शनल। 2/3, 2/3 फ्रैक्शनल। 1/4 क्वार्टर, ये हो गया फ्रैक्शनल। अब प्रोनोमिनल एडजेक्टिव जो होता है उस प्रोनोमिनल एडजेक्टिव का आपको होता है 7 काइंड्स। कितने होते हैं? 7 काइंड्स, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जो प्रॉपर नाउन से बनेगा एडजेक्टिव उस एडजेक्टिव को बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडियन। डिमोन्स्ट्रेटिव, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु को डिमोन्स्ट्रेट करेगा, दैट मीन्स उसको संकेत करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव, एन एडजेक्टिव दैट इज यूज फॉर आस्क अ क्वेश्चन, अगर कोई एडजेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो उस क्वेश्चन को, उस एडजेक्टिव को हम लोग इंट्रोगेटिव बोलेंगे। और जो एडजेक्टिव व्यक्ति या वस्तु के, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु है
और उसको अलग अलग करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सिंगली बोध करेगा, तो उस एडजेक्टिव को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। और जो एडजेक्टिव जोर या दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंफेटिक एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव सरप्राइज, आश्चर्य, खुशी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव आपको संबंध या अधिकार, किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेगा या अधिकार बताएगा, तो संबंध या अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव को हम लोग क्या नाम देते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव देते हैं। तो इस प्रकार से आपको एडजेक्टिव बेटर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको एक एक टर्म को हम आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल के साथ बेहतर से एक्सप्लेन करके हम आपको मिलते हैं। और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया पसंद में आएगा और बहुत बढ़िया आपका तैयारी हो जाएगा। जुड़े रहिए अपने कुन सर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिए और वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।